हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में करने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITJM जो यहाँ पर है जम्मू के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं अप्लाई करने के लिए, आपको अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगी अप्लाई करने के लिए, और क्या स्टेप में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताऊँगा। सब स्टेप मेक श्योर कर लीजिए, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल बनाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए IITJM यानी जम्मू कश्मीर। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप कर लेना है, और टाइप करने के बाद यहाँ पर लास्ट में IAS पर टाइप करना। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारे अपडेट नोटिफिकेशन मिलती है सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो ये फर्स्ट वाला लिंक पर आपको एक्जैक्टली क्लिक कर देनी होती है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं, आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, यहाँ पर IITJM 2021 लिखी हुई है आपके सामने। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताएगी, डेट्स क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी और पैटर्न्स के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर कुछ बारे बताएगी थोड़ी सी डिटेल्स। सबसे पहले आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिए, सामने आपका फॉर्म है। आपका नाम क्या, अपना नाम यहाँ पर बता देना होता है। ओके, ईमेल आईडी आपका क्या, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर बता देना होता है। कॉन्टैक्ट नंबर क्या, अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आते हैं। स्टेट कौन से स्टेट के रहने वाले, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होता है, जिस किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। ओके, आपका सिटी सेलेक्ट करना है, आपको कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस कितनी है अब तक का, फिर यहाँ पर सेलेक्ट करके गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे, तो आप यहाँ पर गेट फ्री काउंसलिंग पे जरूर क्लिक करना है। ठीक है, हो गया, काफ़ी सिंपल था। फिर जम्मू वॉज क्रिएटेड फर्स्ट मई 2016 में क्रिएटेड किया गया था इसे इंस्टीट्यूट को, स्टार्टेड और फंक्शनिंग इन 2016 में फ्रॉम द टेम्प्रेरी यूनिवर्सिटी थी और डिस्ट्रिक्ट इन इनसाइड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर एकेडमिक प्रोग्राम एट IITJM इज़ अ फेलोशिप बाय ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करने पड़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 2016 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज़ द वन ऑफ रिसेंटली स्टार्टेड इंस्टीट्यूट, ये अभी कुछ जल्दी ही जो है स्टार्टेड हुई है। ओके, अभी इसको 5 साल शायद हुए हैं। ओके, यहाँ पर आप देखते हैं इंस्टीट्यूट लिफी कैंपस अबाउट द 400 एकर्स लैंड और इक्विप, देख सकते हैं यहाँ पर एकर है ना, 400 एकर लैंड यहाँ पर है उसके पास, और भी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के लिए जो भी ज़रूरत है सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई आपको, देखना कैसे चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, मेक श्योर कर लीजिए। पहले यहाँ पर ये पढ़ लीजिए क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोइंका, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, माना रचना, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल, SRM USSIU, ये देख लेते हैं अप्लाई नाउ ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटी के लिए जिसमें भी आपको एडमिशन लेने होते हैं। काफ़ी सिंपल, यहाँ पर अप्लाई कीजिए। तो इवेंट और डेट्स बताएगा यहाँ पर, तो अवेलेबल कभी होगा आपका अप्लीकेशन फॉर्म, और मार्च में होगा। ठीक है, लास्ट डेट का भी अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने का मई में होगा। शॉर्ट लिस्ट का भी अवेलेबल होगा तो भी अनाउंस जल्दी की जाएगी। इंटरव्यू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जून में किया जाएगा, तो देख सकते हैं। फिर PG कोर्सेज के लिए बताएगा आपको इसी तरीके से करना होता है। फिर अप्लीकेशन फॉर्म अगर बताया गया तो अप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रिव्यूज़ किया जाता है, वहाँ से अप्लीकेशन फॉर्म का आपको फिल करके फिर आपको जो है सारे डिटेल्स आपके फिल करने पड़ते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं उसमें, और फिर और भी सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई है, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर और सारे बताए गए आपको यहाँ पर इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। फिर आगे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ करने पड़ते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट करने होते हैं, जो फीस इसका एप्लीकेशन फॉर्म का लगता है, तो फीस आपको यहाँ से जमा कर सकते हैं ऑफिशियली, मतलब फीस को पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। फिर आपको सबमिट करना था, और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फ्यूचर में उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ही। ओके, फिर यहाँ पर स्टेप अप्लाई करने के लिए, तो बीटेक कोर्सेज के लिए एडमिशन वेबर ऑफिशियल वेबसाइट पर GMAN के, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, अपलोड फोटो करना, पेमेंट करना एग्जामिशन का, बस हो गया। फिर एलिजिबिलिटी कैसे होंगे, आप एलिजिबल कैसे होंगे अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो कोर्स नेम देखे थे बीटेक है, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर देखे थे कि क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग,
यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी बताई गई है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू सिक्योर एट लीस्ट 75% मार्क्स यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, 65 एस सी और एस टी के लिए 12th क्लास में, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट क्रिटेरिया जो है जेई मेन का स्कोर्स एंड उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जेई मेन में अच्छा स्कोर चाहिए। प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर बताया गया, तो प्लेसमेंट भी यहाँ पर ऑफिशियल तौर पर रेज कर जाती है। एडमिशन प्रोसेस ऑफिशियली होते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं ईजिली जो है आप सारे जो है प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे कोर्सेस अलग अलग इंस्टीट्यूट में कोर्सेस ऑफर किया जाते हैं, बीटेक जो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमई 75% से मार्क्स है यहाँ पर, 65 एससी और एसटी के लिए, और भी सारे चीज़ें यहाँ पर बताया गया, तो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी मेड और डिपेंड ऑन देयर द एकेडमिक मेरिट लिस्ट पर डिपेंड करता है, और ये सारी चीज़ें। परफॉर्मेंस इन द पर्सनल इंटरव्यू राउंड होते हैं यहाँ पर अलग अलग, तो काफ़ी सिंपल है। फिर यहाँ पर देखे थे आईआईटी जम्मू जो बीटेक इंस्पिरेशन से विल हैव टू अप्लाई फॉर द जे एडवांस के थ्रू होता है, अब यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप एमटेक और पीएचडी के लिए देख सकते हैं क्या बताएगा, फॉलोशिप सब्सक्रेंस स्टेप बाय अप्लाई करने के लिए ये देख सकते हैं एमटेक और पीएचडी के लिए, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन होना होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर पीजी एडमिशन एट सेट डॉक दी एडमिशन पोर्टल से यहाँ पर, फिर आपको न्यू रजिस्टर पर क्लिक करके अपना खुद से जो है सारी चीज़ें फिल करना होता है, फिर एंटर द आईटी चैन, फिर अपलोड द नेक्स्ट स्कैन इमेज ऑफ और पासवर्ड सर्च के इमेज होते हैं, सिग्नेचर्स, ग्रेजुएशन स्कोर्स, कास्ट सर्टिफिकेट, गेट नेट्स, फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप्स के लिए यहाँ पर बताया गया आपको पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिग्री यहाँ पर तो मंथली यहाँ पर 31,000 रुपीज़, फिर 31,000 रुपीज़ फॉर 35,000 रुपीज़ पीएचडी के लिए, ये सर मतलब फर्स्ट ईयर टू डिग्री के लिए बेनिफिट, ऐसा आपको सारी चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ती है, एडमिशन लेना, फिर पेमेंट करना है, फिर एडमिशन। कुछ भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली जरूर कमेंट कीजिए, ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।